मांधाता में उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है। यहां पर सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगना शुरू हो गई थी। सुबह 9 बजे तक यहां पर 9% मतदान हुआ तो 11 बजे तक यह आंकड़ा बढ़कर 33.34% पर पहुंच गया था। मांधाता में भाजपा और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों सहित 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। भाजपा की ओर से यहाँ कांग्रेस छोड़कर आर नारायण पटेल उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस की ओर से यहां से 2 बार विधायक रहे राज नारायण सिंह के पुत्र उत्तम पाल सिंह तोमर मैदान में हैं। वहीं मांधाता राजघराने से संबंध राव जितेंद्र सिंह भी मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। इस विधानसभा सीट से कांग्रेस और भाजपा में हमेशा कांटे की टक्कर रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत का अंतर काफी मामूली रहा है। मांधाता में सुबह 11 बजे तक 33.34% मतदान हो चुका था। हालांकि सुबह 9 बजे तक यहां पर 10% मतदान भी नहीं हुआ था। माना जा रहा है इस गति से मतदान होता रहा तो शाम 7 तक 75% से 80% मतदान हो सकेगा। मोदी में सुबह 11 बजे तक 2501 मतदाता अपने मत का उपयोग कर चुके थे। मोदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। अच्छा, काफी संघर्ष किया है, काफी घरों में जाके भी आपने प्रचार किया है, क्या लगता है मतदाता को मुंह देख के किस स्थिति में है कांग्रेस? देखिए, बात ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस चुनाव नहीं, ये चुनाव जो था इन लोगों ने मतदाता की जनता को भगा है, इसका चुनाव इन लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाता की जनता को भेजा है, उसका चुनाव था। ये चुनाव जो था दलबल का चुनाव था। राज्य में अगर आप लोग यहाँ थे तो आपने देखा होगा क्या स्थिति, प्रशासन जो है मौन था। एक घटना हुई थी अयोध्या में, रात में मैंने जो है एसपी साहब और कलेक्टर साहब को फोन किया, एक आदिवासी को वहाँ के सामाजिक कुछ बंधुओं ने उसको मारा। मैंने जब एसपी कलेक्टर साहब को अवगत कराया तो 1.5 घंटे बाद तो उनकी कोई टीम पहुँची है। तो ये प्रशासन के दबाव में ये सब हो रहा है, पर जनता सब जानती है और जनता इनको सबक सिखाएगी। केंद्रों पर नज़र बनाए रखे हैं, कहीं से कोई शिकायत मशीन को लेके कुछ? जैसे महोद में थी और ये एक दो जगह ऐसी खबर आती है, किलो तरफ के एक जगह से आया था और रिजॉल्व हो गई है, वोटिंग स्टार्ट हो गया। मतदान मांधाता विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लंबे टाइम के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्होंने काम किया है, जनता चाहती है। आपके नेता विकास की बात करें, जीतते से सबसे पहला काम कौन सा होगा? देखिए, मैंने अभी जीतने के बाद बड़ी बगड़ी 6-7 सौगातें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से वादा किया है, आग्रह किया है और उन्होंने स्वीकार किया है। और बाकी जन कल्याणकारी योजना जो ज़मीन पे पिछले टाइम कुछ रुकी हुई थी उसको गति देने के लिए गांव-गांव जाऊंगा, मोहल्ले-मोहल्ले जाऊंगा, हमारे गरीबों की सेवा करना वही मेरा उद्देश्य है। ठीक, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक, क्या लगता है जनता के बीच में जो मुद्दे लेके गए थे कितना प्रभावशाली दिख रहा है? देखिए, जनता के बीच में भी और जनता, इस बार का चुनाव ये उपचुनाव है, बहुत रोचक चुनाव है सर। मुझे इतनी प्रसन्नता है और जनता में इतनी ऊर्जा है। मैंने चुनाव 1995 से लड़ा, मगर ये चुनाव में जनता का जो ऊर्जा है, जो प्रेम है, जो आशीर्वाद है, वो हकीकत मिला है और जनता ही सर्वे पर। ठीक है।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।